नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सरकारी हेल्प में। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, आज की वीडियो में बात करेंगे डेट शीट के लिए। जो डेट शीट आई है असाइनमेंट की, असाइनमेंट बेस्ड इवोल्यूशन फॉर फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर एंड सेकेंड ईयर एस वेल एन सी एफ 2020। यानी दोस्तों आपका रिलीज डेट शीट जो है पक्की वाली डेट शीट वो रिलीज हो चुकी है आज। और आइए हम देखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ गाइडलाइंस है जो कि गाइडलाइंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं आपको गाइडलाइंस बता दूंगा और डेट शीट कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे सभी जो एनुअल मोड स्टूडेंट है, यानी कि जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। जो एनुअल मोड इस यानी इसमें सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, डेट शीट वो बी ए प्रोग्रामिंग सेकेंड ईयर एनुअल मोड, यानी कि जो बच्चे 2018 में एडमिशन लिए हैं वो एनुअल मोड कहलाएंगे, और जो बच्चे 2019 में एडमिशन लिया है वो सी बी सी एस मोड कहलाएगा दोस्तों। दोस्तों डेट शीट तो यहाँ जारी हो चुकी है, लेकिन जो डेट शीट में जो आपको चीज़ें बताई गई है गाइडलाइंस, वो गाइडलाइंस आपको मैं बताता हूँ अभी। तो दोस्तों मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है बीए ऑनर्स बीए फर्स्ट जो ईयर का है सी बी सी एस के मोड में। तो चलिए दोस्तों हम सीधा हम डायरेक्ट चलते हैं उस पीडीएफ पे और देखते हैं क्या क्या पीडीएफ में है दोस्तों। तो दोस्तों हम पीडीएफ पे आ गए हैं। दोस्तों देखिए ये एस ओ एल ओपन लर्निंग का है बीए प्रोग्रामिंग फर्स्ट ईयर डेट शीट सेमेस्टर सेकेंड, मतलब यानी कि जो सेकेंड सेमेस्टर है सी बी सी एस मोड पार्ट वन का, वो दो पार्ट में बढ़ चुका है, सेमेस्टर वन सेमेस्टर सेकेंड। तो दोस्तों पार्ट वन जो है यानी फर्स्ट ईयर के बच्चों का 8 बनाने हैं दोस्तों। दोस्तों ये देख सकते हैं कि आप बीए प्रोग्रामिंग के बच्चों के लिए है, और ये आपके सब्जेक्ट हैं पूरा, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, ह्यूमन डेवलपमेंट, हिंदी कविता, मध्यन कलंदिन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एलजेब्रा, नेचुरल नंबर, ये सब चीज़ें हैं। और इसके साथ दोस्तों आपको डेट भी दी गई है कब आपका डेट शीट रिलीज होगा, जो कि कब आपका जो असाइनमेंट है वो आएगा आपके पास। तो जरूरी 25 तारीख को आपका असाइनमेंट आ जाएगा दोस्तों। कितना दोस्तों, यानी कि 25 डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर इज बाई सोल इज 25। दोस्तों 25 तारीख को आपका जो पोर्टल है या फिर वेबसाइट है वहाँ पे क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाएगा। 7 तारीख को आपका 11 तारीख को आपका जो है आपको चीज़ें अपलोड करनी ही है 6 बजे शाम तक दोस्तों। तो टाइमिंग भी आपको दी गई है शाम 6 बजे तक दोस्तों। उसका जो आता है AECCC यानी एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स, जो बच्चों के पास AECCC में जो कोर्स है, अगर आप अपने जो बुक लिस्ट है उसमें देखेंगे तो AEC करके एक जो सब्जेक्ट है उस पर लिखा होगा, बहुत सारे बच्चों के सब्जेक्ट लिखा होता है, तो वो चीज़ आप जो डेट शीट है यहाँ पे भी है दोस्तों। जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये है कि आपको इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, ये चीज़ मैं बताना चाहता था क्या क्या आपको गलती नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ आपको करनी है। दिस इज़ मेन फॉर स्टूडेंट ऑफ ओपन स्कूल ऑफ लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हु हैव टेकन एडमिशन इन द ईयर ऑफ 2019 CBCS मोड। तो दोस्तों CBCS मोड में जो बच्चे लिए हैं वो इनके लिए हैं, और जो एनुअल मोड के लिए भी है वो भी मैं आपको पढ़ के अभी बताऊंगा दोस्तों। एज पर एक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दिस इज बेस्ट वन टाइम मेजर द एकेडमिक सेशन 2019-2020 फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन व्यू ऑफ COVID-19 एकेडमिक। दोस्तों ये चीज़ें हैं बेसिकली कि आपको यूनिवर्सिटी की दिल्ली आपको चीज़ें बताएगा कि ये वन टाइम मेजर हो रहा है इधर, मतलब पहली बार। द स्टूडेंट हैव टू राइट आंसर ऑफ एनी टू क्वेश्चन फॉर असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी कि दोस्तों आपको दो क्वेश्चन लिखने हैं, टू क्वेश्चन फॉर असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन ऑफ ईच सब्जेक्ट, मतलब पर सब्जेक्ट आपको दो क्वेश्चन। मान लीजिए हिंदी है दोस्तों, हिंदी में आपको अगर उन्होंने दिया है तो अब 4 या 5 क्वेश्चन होगा, उसमें से तो आपको दो क्वेश्चन सिर्फ लिखना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन लिखना है और फिर आपको फिर अपलोड कर देना है दोस्तों। तो क्वेश्चन पेपर ऑफ फॉर असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन विल बी डाउनलोड फ्रॉम द डैशबोर्ड ऑफ़ द रिस्पेक्टिव स्टूडेंट अवेलेबल ऑन द एसएल वेबसाइट, यानी कि दोस्तों आपको जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको स्टूडेंट पोर्टल से डाउनलोड करना है, या फिर आपका sol.du.ac.in यहाँ से आपको मेन वेबसाइट से डाउनलोड करना है दोस्तों। मोस्टली आप ट्राई कीजिए कि आप अपना पोर्टल से डाउनलोड कीजिए, लॉग इन करके, वहाँ पर क्या होगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये मेरा ही है या मेरा नहीं है दोस्तों। द आंसर मे बी रिटन ऑन A4 साइज पेपर सीट एंड परफेक्टली इट मे बी रिटन इन वन साइड ऑफ A4 साइज सीट टू इनेबल टू हेल्प देम ईजिली कैन स्कैन एंड अपलोड ऑन द वेबसाइट। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि जो आंसर लिखेंगे हम किस जो पेज है वो उस पर लिखेंगे, तो यहाँ पे A4 साइज़ बता दिया गया है, बट अभी भी ये क्लियर नहीं किए हैं कि A4 साइज़ प्लेन है कि
कैसा सीट है, बट यहाँ पे बताया गया कि इट मे बी रिटेन इन द वन साइड, ओनली वन साइड। दोस्तों अगर आप एक साइड प्लेन है और एक साइड जो लाइनिंग वाली लेते हो तो एक साइड ही लिखना है, अगर आप दोनों तरफ लाइनिंग वाली लिखते हो तो एक ही तरफ लेना है, ताकि आपको स्कैनिंग और अपलोडिंग में दिक्कत ना आए। तो दोस्तों आपको PDF बनाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों, द आंसर विल बी रिटन बाय स्टूडेंट यूजिंग ब्लू और ब्लैक पेन। दो पेन आपको यूज करना है, ब्लू और ब्लैक पेन। स्टूडेंट्स विल राइट देयर रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर और पेपर कोड ऑन द टॉप ऑफ द आंसर शीट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी असाइनमेंट कैसे बनाना है उसमें दिखाया था आपको कि स्टूडेंट ने कैसे अपना जो रोल नंबर है या फिर एग्जामिनेशन रोल नंबर है वो चीज़ जो सबसे टॉप पे डाला था पेपर कोड वगैरह, तो आपको की डालना है सबसे टॉप पे। द नंबरिंग शुड बी डन इन ईच पेज ऑफ आंसर शीट, अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट विल हैव टू साइन ऑन एवरी पेज ऑफ आंसर शीट। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको नंबरिंग पेज नंबर डालना है और आपका अपना साइन करना है। दोस्तों अपलोडिंग ऑफ आंसर शीट, आंसर शीट को अपलोड कैसे करना है मेन चीज़ आपको ये है, मैंने डाउनलोड तो बता दिया, अब अपलोड कैसे करना है। द अपलोडिंग ऑफ आंसर शीट विल बी डन बाय द स्टूडेंट बिफोर द लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ द आंसर शीट। यानी कि दोस्तों जब लास्ट डेट होगा 7 तारीख को आपको अपलोड, सॉरी 11 तारीख को आपको अपलोड करना है दोस्तों, और जो चीज़ें हैं दोस्तों लास्ट डेट पे ही आपको 6 बजे तक अपलोड करना है। तो दोस्तों 25 तारीख को आपका असाइनमेंट आएगा और आपको जो असाइनमेंट का जो डेट है लास्ट डेट वो आपको 11 तारीख है, 11 तारीख को आपको अपलोड करना है शाम को 6 बजे तक। आइए दोस्तों और भी आगे देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया। आठवें नंबर पर, इट विल डन ऑन द सेम डैशबोर्ड ऑन ऑफ द स्टूडेंट अवेलेबल ऑन द सोल वेबसाइट। आपको ये जो चीज़ें हैं वो सेम डैशबोर्ड पे करना है जो SOL पे अवेलेबल होता है, जो आपका जो डैशबोर्ड है स्टूडेंट लॉगिन आईडी करके जो ओपन करेंगे वहीं पे आपको एक टैब आएगा अपलोड टैब, उसी पे क्लिक करके आपको PDF फॉर्म करके अपलोड कर देना है। बच्चों आपको जो स्कैन करके फिर आंसर शीट को एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पेपर इन द वन PDF, मतलब एक सब्जेक्ट को एक बार में एक PDF फॉर्म करना है दोस्तों, उस पर फिर उस PDF का रिनेम कर देना है। यानी कि आपको अगर हिंदी का है तो हिंदी का अगर आपने मान लो 2 क्वेश्चन किया है 4 पेज में, तो 4 पेज को आपको स्कैन करके एक PDF बनाना है। अगर आपको हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का आपने 8 पेज में किया है, तो 8 पेज को स्कैन करके एक PDF बनाना है। ये नहीं कि दोस्तों एक साथ सभी को स्कैन करके एक PDF बना दो, अलग अलग करके आपको PDF बनाना दोस्तों, और सेम आपको जो मेंशन है डैशबोर्ड पे वहाँ आपको अपलोड कर देना है। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट और पेपर फॉर BA प्रोग्रामिंग सेमेस्टर सेकेंड, द स्टूडेंट हैव टू सबमिट असाइनमेंट बेस्ड इवोल्यूशन फॉर 4 सब्जेक्ट, 2 कोर पेपर, 1 AECC, 1 लैंग्वेज एज पर ऑप्शन फिल्ड बाय द स्टूडेंट एट द सेम सबमिटिंग एग्जामिनेशन। मतलब दोस्तों आपको सेकेंड सेमेस्टर के लिए 4, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 4, मतलब टोटल आपको फर्स्ट ईयर का 8 आपको सबमिट करना है दोस्तों। 8 सेम जो सेकेंड ईयर है दोस्तों जो एनुअल मोड है उनको 4 ही सबमिट करना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का भी उनका मार्क्स इसमें जुड़ेगा दोस्तों। ऑफिशियल गिवन ओनली ऑन द सोल यूनिवर्सिटी, जो चीज़ें हैं दोस्तों आपको यहां से आपको मिल जाएगी। अगर इन केस आप इमरजेंसी में हैं तो आप अपने ईमेल आईडी से मेल कर सकते हैं सोल के हेल्प पोर्टल पे, जहां पे आपको क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट वगैरह अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं और जो कि एनुअल मोड के स्टूडेंट के लिए भी सेम चीज़ें लागू होती है, और जो बस ये है कि उसमें आपको 8 सब्जेक्ट नहीं बल्कि 4 सब्जेक्ट बनानी है, और नेम रोल नंबर सब कुछ सेम ही आपको लिखना है। तो ज़्यादा इस वीडियो को हम लंबी नहीं करेंगे दोस्तों, यहीं पे इस वीडियो को अभी करते हैं समाप्त। और दोस्तों अभी अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, क्योंकि अभी दोस्तों को पता नहीं होगा कि डेट शीट आया नहीं आया है, कैसे क्या करना है, तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों को बताइए कि डेट शीट आ चुका है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।